गुजरात से कांग्रेस के बागी दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला की कर रहे हैं। जाने माने नेताओं में से एक माने जाते हैं। वाघेला ने कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाई जन विकल्प मोर्चा और गुजरात चुनाव में एक नई पहचान बनाते हुए मैदान में कूद पड़े हैं। साल 2017 के गुजरात चुनाव में उनकी माने तो इस बार जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से परेशान हो चुकी है, लिहाजा उनकी पार्टी को ही वोट मिलेगा। हमारे साथ हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और जन विकल्प मोर्चा के सर्वेसर्वा शंकर सिंह वाघेला साहब। वाघेला साहब, सबसे पहले तो स्वागत सुदर्शन न्यूज में। बहुत अच्छा, धन्यवाद। सर, पहला सवाल ये है कि गुजरात की राजनीति में देखा गया है कि दो के बीच ही लड़ाई होती है, तीसरे के लिए इस बार जो आप विकल्प लेके आए हैं, जनता जन जो है वो कितना इस विकल्प को समझेगी? ये जनता जो है ना, इन्होंने दोनों का टेस्ट कर दिया है, बीजेपी और कांग्रेस का। कांग्रेस का अनुभव अच्छा नहीं रहा तो बीजेपी के साथ गए, 20-22 साल तक बीजेपी को मौका दिया। अब इतने दुखी है तो क्या जहां पहले दुखी थे कांग्रेस में वही जाएंगे क्या? तो ये हमने विकल्प दिया है। और कभी कभी सिलेक्शन जो है ना वाइड होना चाहिए, कोई भी चीज पसंद करना है तो 4-5-10 हो तो अच्छा रहता है। फिर लेट द वोटर टू डिसाइड कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। हमारी बहनें कहीं बाजार में जाती है तो 50 साड़ियां देखने के बाद एक दो पसंद करती है। तो कांग्रेस का अनुभव अच्छा नहीं है, बीजेपी का अच्छा नहीं है तो फिर वापस कांग्रेस में न जाए। तो जनता ने ही विकल्प पसंद किया कि विकल्प है और इसका नाम जन विकल्प रखा है। और हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी का सिम्बॉल ट्रैक्टर जो है वो हमने रखा है पब्लिक के लिए। सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, कांग्रेस प्रचार कर रही है कि विकास पागल हो गया है। इसमें इन दोनों के बीच तीसरा जो आपकी पार्टी है वो किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी? हम रोजी रोटी रहठान यानी कि रहने की सुविधा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको नौकरी देना, पेट्रोल डीजल पर वेट कम करना, जीएसटी को एक साल तक मौकूफ रखना, सौराष्ट्र रीजन को सेक्रेटरिएट अलग रीजनल सेक्रेटरिएट राजकोट में देना, ये जो मामला है ना किसानों का, कपास और मगफली जो है उसके अच्छे भाव देना, ऐसे हेल्थ और शिक्षा जो है उसकी चिंता करना, अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर हम चले हैं जो विकास को तो नेचुरल विकास है। 15 साल का लड़का 5-7 साल के बाद 20-21 साल का होगा, अगर उसको दाढ़ी मूछ नहीं निकलेगी तो हमको वैम पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है क्या। ये विकास रूटीन विकास है, गुजरात का विकास किसी की मेहरबानी से नहीं हुआ है, गुजरातियों के ब्लड में है। और ये भी विकास पागल हो गया होगा, ठीक है वो तो तुक है, एक जुमला है कि ये, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। इसलिए पब्लिक को हम जो देना चाहते हैं कि लोगों को, लोगों की बात करते हैं, कॉमन मैन की बात। और ये जो बीजेपी कांग्रेस निकम्मी है, कांग्रेस बीजेपी निकम्मी है, तो क्या निकम्मापन पसंद करना है या अच्छी चीज पसंद करनी है? और बापू का अनुभव गुजरात की जनता को अच्छा है, निकम्मा नहीं है। सर, जिस तरह से इस बार पाटीदार समाज को लेकर बातें चल रही है कि बीजेपी से नाराज है, आप गुजरात के राजनीति में काफी मजे हुए नेता हैं, आपको क्या लगता है कि पाटीदार समाज इस बार बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगा या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, या पाटीदार समाज जो है वो तीसरा विकल्प ढूंढेगा? देखिए, समझदार कम्युनिटी है, सुखी कम्युनिटी है, और मैं समझता हूं कि आज तक अब तक बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी से दुखी हुए हैं, प्लानिंग से दुखी हो, जो भी वजह हो, लेकिन इतना प्रेम कांग्रेस के प्रति नहीं है और कांग्रेस वेलकम भी नहीं करती है। इसलिए हो सकता है कि पार्टली जहां जहां कहीं कॉमर्शियल डीलिंग हो तो कहीं कांग्रेस में कैंडिडेट बने, कहीं बीजेपी में बने, हमारी ओर से भी कोई बनेगा। अगर तीन पाटीदार होंगे तो पाटीदार वोट कहां जाएगा वो आप बताइए, बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा या हमारे ट्रैक्टर में जाएगा, ये अहम प्रश्न है। मैं पाटीदार समाज को कहना चाहता हूं, आप तो किसान है, बेसिकली किसान सौराष्ट्र गुजरात में, तो इनका भला किसने किया है? हम जब थे, जहां भी थे, कपास का भाव देना हो, सौराष्ट्र को मूंगफली के हिसाब से एक्सपोर्ट का ऑर्डर देना हो, जीनर्स को कुछ देना हो, किसान की बिजली के भाव कम करने हो, ये जो मामला है ना वो किसी के पास नहीं है। हमने कल किसानों को सुखी किए हैं, पाटीदार कम्युनिटी को सुखी किया है, तो आज मैं समझता हूं कि हमारा अनुभव पाटीदारों को भी अच्छा है। बीजेपी कांग्रेस का अनुभव, कांग्रेस का अच्छा नहीं रहा तो बीजेपी में गए, अब बीजेपी का अनुभव अच्छा है तो कहां जाएंगे? आइए हमारे ट्रैक्टर पर बैठिए, ट्रैक्टर चलाइए, ट्रैक्टर को वोट दीजिए। सर, अंतिम सवाल, आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चलाइए, लोगों से आह्वान कर रहे हैं, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपके ट्रैक्टर पे डीजल जो है वो बीजेपी भर रही है। देखिए, हमारा तो किसान ही भरते हैं, किसान लोग भरते हैं, हमारे ट्रैक्टर में डीजल लोग भरते हैं, हमको जो स्पिरिट मिलता है जनता से मिलता है, किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये जो मामले हैं, जो पॉइंट लेकर हम चले हैं, वो तो सब एंटी बीजेपी है,
गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी मुद्दे हमारे सब सरकार के मुद्दे हैं। अब कांग्रेस का तो 20-25 साल से शासन नहीं है, इसलिए इनके बारे में क्या कहना, कुछ कहना है ही नहीं, इतनी समझ नहीं है। और वोटर का अपमान करने वाले आप और मैं कौन होता हूं? वोटर को टेक अफ कांटे कौन लेगा कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी के वोट काटने के लिए आप पार्टी शुरू की थी या कांग्रेस से वोट काटने के लिए आप पार्टी शुरू की थी? ये जो मामला है नहीं, लेट वोटर्स टू डिसाइड कि किसको कहां जाना है। सुदर्शन न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला साहब, जिन्होंने खासतौर पर कहा कि उनका अपना विकल्प है, वो अपने मुद्दे लेकर इस चुनाव में जाएंगे। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि 18 दिसंबर के बाद कौन गुजरात की सत्ता पे काबिज होगा। कैमरामैन यश के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज अहमदाबाद। तो शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा उनके पास जनता के पास विकल्प के तौर पर जन विकल्प मोर्चा है, लेकिन क्या जनता उस विकल्प की ओर जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पहले